123 का टारगेट, 109 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। रोहित जी आपकी तरफ से पहली कॉल। सुमित, मेरा जो स्टॉक रहेगा वो थोड़ा डिफेंसिव प्लेयर रहेगा, बिकॉज देखिए निफ्टी सपोर्ट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कहना है कि थोड़ा बाउंस आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, और मैं डिफेंसिव सेक्टर के साथ में जाना चाहूंगा। तो जो मेरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा विप्रो। विप्रो एक गैप डाउन के बाद भी इसने अपने जो सपोर्ट्स थे 540 के, वो काफी डिफेंसिवली होल्ड किया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी तक जब तक ये स्टॉक 540 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आप एक बार थोड़ा पॉजिटिव हो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं विप्रो के अंदर। तो विप्रो मेरा बाय कॉल रहेगा। 540 जो रहेगा सुमित जी मेरा, वो स्टॉप लॉस का काम करेगा, और मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ आपको एक बार 580 से 600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगेन क्लोजली फॉलो करना रहेगा स्टॉप लॉस को, बिकॉज जो हिसाब से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसमें स्टॉप लॉसेस फॉलो करना काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो 540 जो रहेगा मेरा काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, और 580 मेरा पहला टारगेट रहेगा सुमित जी। 580-600 ये टारगेट्स आपको दिए गए हैं विप्रो को लेकर। पहला टारगेट 580 और दूसरा 600 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करेंगे। 540 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं, ये आपको राय दी गई है विप्रो के केस में। क्लोज स्टॉप लॉस है, और ऑब्वियसली बात है क्वालिटी कंपनी है, तो अगर आप इसमें बने भी रहते हैं तो भी इश्यू नहीं है, लेकिन नियर टर्म में 580 और 600 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 540 का स्टॉप लॉस रखेंगे।